नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आज फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जिस पर आपको बोलना जरूरी है। जी हाँ, हम ऐसे मुद्दे को लेकर आते हैं जिसमें बेखौफ होकर बिंदास बोलना जरूरी होता है। और आज मुद्दा है जुड़ा फिर एक बार हमारे श्रद्धा से, आस्था से, मान्यताओं से, हमारे यहाँ की विराट परंपराओं से। जी हाँ, बात भक्ति की है, श्रद्धा की है, आस्था की है, लेकिन अंधश्रद्धा को खत्म करने के नाम पर श्रद्धा का सीधे कत्ल हो रहा है। अगर समय रहते इसको विरोध नहीं हुआ तो यह पूरे देश भर में कानून आने वाला है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक नाम से एक नया कानून लाने की कोशिश जारी की है, जो कि काफी दिनों से की है, लेकिन कई ग्राम पंचायत, कई आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों, वारकरी संप्रदाय, इनके विरोध के कारण यह रुका हुआ। लेकिन अगर यह आता है तो संतों की भूमि कहे जाने वाले महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होगी और फिर पूरे देश में इस कानून को यू कहते हुए लागू किया जाएगा। आइए हम आज के इस सरकारी एक ऐसे प्रयास से जो हमारे श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, इसके ऊपर अपनी राय दें। लेकिन आपके कॉल और आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं डिटेल में मुद्दे पर। अब आप अपने घर में ही भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे, श्रद्धा के साथ मंदिर नहीं जा पाएंगे, अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए घर में हवन नहीं करा पाएंगे, स्कूलों, सामाजिक संस्थानों से भगवान की तस्वीर हटा दी जाएगी, हिंदू अपने देवी देवताओं का स्मरण नहीं कर पाएंगे, रामचरितमानस का पाठ नहीं करा पाएंगे। जी हाँ, अब ऐसा होने जा रहा है देश में और ये शुरुआत कर दी है देश के उस कोने से जो हजारों लाखों सालों से संतों, महात्माओं और विश्व प्रसिद्ध दार्शनिकों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। देश की उसी जड़ से हिंदू दर्शन, हिंदू मान्यताओं पर आघात शुरू हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक लेकर आ रही है जिसका मकसद सभी धार्मिक श्रद्धाओं पर प्रतिबंध लगाना है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो गई है, उस भूमि से जिसने मुगलों तक के शासन को बर्दाश्त नहीं किया, अंग्रेजों के सामने भी अपनी विरासत को बनाए रखा, लेकिन देश के काले अंग्रेजों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर उसी जड़ से हिंदू मान्यताओं पर आघात शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस सरकार महाराष्ट्र में ये खेल खेल रही है। उसका मकसद पूरे देश में हिंदुओं को खत्म करके विपक्ष को ही खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार जो अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक लेकर आई है, इस विधेयक में हिंदुओं के लिए सभी प्रतिबंध है, लेकिन मुस्लिमों के नाम पर सरकार चुप है। महाराष्ट्र का हर समुदाय इस विधेयक का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार कुछ सेकुलरों के दबाव से झुकी हुई है। क्या कोई सरकार किसी की धार्मिक भावनाओं को कानूनों में बांध सकती है, और वो भी एक धर्म को बांधना और दूसरे को खुली छूट देना? हिंदू धर्म के विद्वान धर्म के उन अंधविश्वासों को खुद ही सुधारते हैं, आगे आकर लोगों को जागरूक करते हैं। जब धर्मानुयायी ही धर्म से खुद ही अंधविश्वास को खत्म कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है सरकारी कानून की? अगर कानून हो भी तो सबके लिए समान हो, लेकिन यहाँ कानून बनाकर एक समुदाय की मान्यताओं पर प्रतिबंध लगाना है। क्या किसी की मान्यताओं पर प्रतिबंध लगाना सही है? अगर आप साई भक्त हैं और ये कहते हैं कि साई बाबा ने पानी से दीपक जलाए थे, तो आपको जेल होगी, क्योंकि आप विज्ञान के कसौटी पर उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे और ये गैर कानूनी होगा, ऐसा ये कानून कहता है। माता वैष्णो देवी के आप भक्त हैं और उसके आशीर्वाद से अगर आपका व्यवसाय फल फूल रहा है, परिवार सुरक्षित है, मन को सुख शांति है, ये अगर आप किसी को बताएं तो भी ये कानून का उल्लंघन होगा। ऐसे आपकी मान्यताओं को जेल के अंदर डालने वाले इस कानून को अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो फिर एक दिन जेल जाने के लिए तैयार हुई है, या अपने धर्म को, उसकी मान्यताओं को छोड़ दीजिए। कुछ कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ बोलिए। और मैं आपको ये बताता हूँ कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, अगर ये सरकार ऐसे करती है तो ये सरकार देश को गृह युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रही है। ये गृह युद्ध धकेलने की कोशिश करेगी कि इसका बहुत बड़ा देश के लिए बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होगा। और दूसरी बात यह की जब गृह युद्ध में देश चला जाएगा तो इनकी पता है ये लोग कहाँ चले जाएंगे। ये दोस्त ऐसे लोग बाहर भागने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूँ कि जब तक ये सरकार और निकट में सरकार रहेगी तब तक ये हमारे साथ सही अन्याय होता रहेगा। धन्यवाद आपने प्रतिक्रिया देने के लिए।
और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ बोलिए। ये जो हिंदुओं के पूजा पद्धतियों के ऊपर और उनके जो संस्कारों के ऊपर अंधश्रद्धा का जो लेबल लगाया जाता है, उसके पर हमें हमारी विघटितता जातिवाद जवाबदार है। यदि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जातिवाद को छोड़ के अगर एक हो जाएं, तो मैं नहीं मानता हूं कि आने वाले समय में हिंदुओं के ऊपर कोई अंगुली उठा सकता है। हाँ, हम जब विघटित है तो उन लोगों को मौका मिलता है। उत्तरों पर अन्याय, निरंतर अन्याय करते रहते हैं, कारण कि हम एक नहीं है, हिंदू एक नहीं है। पूजा पद्धति के ऊपर प्रहार किया जाता है, हमारे श्रद्धा के स्थानों के ऊपर अंधश्रद्धा का लेबल लगाया जाता है। ये सब हो रहा है विघटितता के कारण। हमें संगठना नहीं है, हमारे में एक नहीं है। इसके लिए वो हो रहा है, वो आगे भी होता रहेगा। जब तक कोई एक समाज एकत्र नहीं होता है तो उसको तकलीफ होती है। बिल्कुल, धन्यवाद जी। यहाँ पर एक और SMS आया है। SMS में कहा गया है कि महाराष्ट्र में गाडगे महाराज जैसे और कई ऐसे संत हुए जिन्होंने अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। धर्म के ऊपर श्रद्धा प्रस्थापित करने के साथ ही अंधश्रद्धा को खत्म करने का काम जिस महाराष्ट्र से हुआ है, वही से इसकी शुरुआत होना दुर्भाग्यपूर्ण है। नीलम पाटिल पुणे से इस SMS को भेज रही है। और भी कई SMS हमारे सामने है, कई प्रतिक्रिया हमारे सामने है। हमारे पास प्रतिक्रिया है अभय वर्तक, जो हिंदू जन जागृति समिति के पदाधिकारी है, प्रवक्ता है। उनकी कुछ प्रतिक्रिया आप दिखाते हैं। और कई MMS आए हुए हैं, कई सोशल नेटवर्किंग की साइट की प्रतिक्रिया है, SMS है, उनको भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। ये अभय वर्तक की एक प्रतिक्रिया। सरकार का प्रयास तो यही है कि हिंदुओं के अपने धर्म के प्रति जो श्रद्धा है उसका श्रद्धा को ठेंच पहुंचाना, क्योंकि इस कानून का जब हमने ड्राफ्ट पढ़ा तो इस ड्राफ्ट के पढ़ते ही हमें समझ में आया कि और जितने भी महाराष्ट्र के तमाम सुप्रसिद्ध वकील हैं इनको हमने जाके मिले और पूछा। सबसे पहले हम सुदर्शन वाहिनी का आभार व्यक्त करेंगे कि इस कानून की गंभीरता बताने हेतु आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया। आज इस कानून को महाराष्ट्र में सभी स्तरों के ऊपर से विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र के शिवसेना के उद्धव जी ठाकरे, खुद बाला साहब ठाकरे, इन्होंने विरोध किया है। महाराष्ट्र की तमाम जितने भी कायदे विशेषज्ञ है, जैसे मैं आपको एक प्रसिद्ध नाम बताऊंगा, सुधाकर जी चपलगांवकर जो निवृत्त न्यायाधीश है औरंगाबाद से है, YC पवार जी पूर्व उपायुक्त रह चुके हैं मुंबई में, बहुत बड़ा उनका नाम है। इनसे बहुत सारे हस्तियों ने इस कानून का विरोध किया है, कानून का अभ्यास करके इसको विरोध किया है। सांप्रदायिक स्तर के ऊपर अगर बताएंगे तो सबसे बड़ा विरोध वारकरी संप्रदाय ने इसको किया है। वारकरी संप्रदाय ने तो इसको इतना विरोध किया है, पिछले 8 साल से इस कानून को महाराष्ट्र के सभी संप्रदाय, सभी हिंदुत्ववादी संगठन विरोध कर रहे हैं। जब ऐसी श्रद्धा होती है तो उसको विज्ञान के कसौटी पर खड़ा करके दिखाने की शक्ति कैसे की जा सकती है, जबकि विज्ञान तब विज्ञान जहां खत्म होता है उसके बाद अध्यात्म शुरू हो जाता है, ये हमारी मान्यता है। और विज्ञान की आज की कई मान्यताओं को तो हमने कई हजार पहले, जब विज्ञान में भी नहीं थी, कई हजार साल पहले से प्रस्थापित किया है। एक और कॉलर। देखिए, अंधविश्वास हर तरह का बुरा होता है और उसके लिए हमारे धर्म में कुंभ, अर्ध कुंभ और समय समय में साधु सम्मेलनों, साधु संतों के सम्मेलन होते हैं जिसमें हमारे वहाँ कुरीतियों को दूर करने के ऊपर विचार किया जाता है। उसके लिए सरकार को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर अंधविश्वास इनको ये लगता है कि रामचंद्र जी ने समुद्र बांधा या साईं बाबा ने पानी से दिया जलाया, अगर सरकार को ये अंधविश्वास लगता है तो क्या सरकार ये भी मानेगी कि जीसस क्राइस्ट जो मरने के बाद जी उठे वो भी अंधविश्वास है, या मदर मैरी चरित्रवान होते हुए भी कुंवारी माँ बन गई वो भी अंधविश्वास है, या सरकार ये मानेगी कि मोहम्मद साहब को अल्लाह सपने में आते थे वो भी अंधविश्वास मानेगी सरकार? बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल, या एड़ी की ठोकर मारने से तालाब बन गया और जमदम कहने से पानी आना बंद हो गया, ये अंधविश्वास नहीं है क्या? तो हिंदुओं का अंधविश्वास ही क्यों नजर आता है? नहीं, किसी की भी श्रद्धा हो, ऐसे विषयों में सरकार ने अपनी सरकार को किसी की भी श्रद्धा के ऊपर उंगली उठाने की कोई आजादी नहीं है। इसके लिए उस धर्म में विभिन्न संस्थाएं हैं जो उन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए काम करती हैं। जैसे जब पर्दा प्रथा, बहुविवाह या बाल विवाह हुआ तो हमारे वहाँ आर्य समाज पैदा हुआ जिसने इसका विरोध किया और आज हिंदुओं ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ का बाल विवाह गलत है। बिल्कुल, सरकार उसमें कहाँ से आ जाती है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया, धन्यवाद विक्रम जी। विक्रम मथुरा से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और भी कई प्रतिक्रिया है, उनकी भी लेते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर, मैं पेरूलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए।
हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा था, ये जो इस धर्म के नाम के ऊपर अपने हिंदुओं को अगर अलग अलग सरकार बांट रही है तो ये अच्छा नहीं सर। और दूसरी बात ये है सर कि अगर अगर एक दिन ये जनता, अगर पूरी दुनिया, अगर ये अलग अलग धर्म के ऊपर अगर अलग अलग सड़क पर आ जाएगी तो फिर ये सरकार कहाँ जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। ये आपस में फूट पाड़ो राज करो, डिवाइड एंड रूल, ये जो नीति है सरकार की, ये अंग्रेजों ने अपनी सत्ता यहाँ पर प्रस्थापित करने के लिए जारी रखी थी और ऐसे हर दुष्ट प्रशासक ने किया है, इसी का अनुकरण आज भी हो रहा है। और एक कॉलर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, राजकुमार उत्तम मंगनाले बात कर रहा हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र से। बोलिए राजकुमार जी। हाँ सर, अंधश्रद्धा और श्रद्धा इसमें अगर डिफरेंस नहीं जानते ये पॉलिटिशियंस तो इनको इनको एक आप जानकारी लीजिए सर उनके पास से, उनके हाथ में देखिए चार चार अंगूठियां होंगे जो कि वो कानून बनाना अभी जा रहे हैं। उनके हाथ में देखिए उनकी चार चार अंगूठियां होते हैं। जब वो चुनाव में खड़े रहते तो पहले जाके ईश्वर को जाके नारियल फोड़ते हैं। नारियल क्यों फोड़ते हैं इनको पूछिए पहले, बाद में इनके बाद इनको पूछिए अगर कौन सा ही काम करने से पहले या कौन सा अपना सर्जरी डॉक्टर भी है, इतना डॉक्टर वैज्ञानिक वजह से अगर ये डॉक्टर है और ये डॉक्टर अगर जब ऑपरेशन के लिए जाता है तो आखिर में वो कहता है कि आखिर मैं तो प्रयास करूंगा लेकिन सब है मेरे भगवान के बारे में। अगर ये भगवान है कौन, ये श्रद्धा कैसी है इसके बारे में अगर ये भगवान नहीं जानते, पॉलिटिशियन नहीं जानते तो क्या कह रहे हैं। और एक बार में मैं बोल सकता हूँ सर, मैं एक शिरडी से मैं आ रहा था, उस टाइम पे एक्सीडेंट हो गया था। तो इतना भयानक एक्सीडेंट था सर वो कि उसमें उस एक्सीडेंट में मुझे एक सात ऐसा स्ट्रेचेस गिर गए थे। तो ऐसे कुछ लोगों ने कहा था कि तुम अगर शिरडी नहीं जाते तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं था, तो आप बच जाते थे, आपको कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम में मेरी श्रद्धा एक ऐसी कहती थी अगर मैं शिरडी नहीं जाता तो उस इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि उसमें इसमें बच नहीं सकता था। इसकी उसकी एक श्रद्धा रहती है, तो इस श्रद्धा के लिए उस श्रद्धा को कोई भी रुका नहीं सकता या कोई मार नहीं सकता और ये नहीं बंद कर सकता है। ये मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। और ओके सर, धन्यवाद। नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह का स्थान है जहां से ये कॉलर बोल रहे थे। धार्मिक स्थानों से आज काफी कॉल आ रहे हैं। अभय वर्तक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया और आपके सामने। इस कानून के विरोध में लोगों की जनभावना इतनी प्रक्षुब्ध है कि इतिहास में 700 सालों से चलती आ रही जो पंढरपुर की वारी है, जो महाराष्ट्र में बहुत सारा प्रसिद्ध है, यह वारी कुछ साल पहले सिर्फ इस कानून का विरोध करने के लिए हेतु रुकवाई गई। बाद में सरकार ने वहां पे कुछ मंत्री भेजे और लिखित स्वरूप से आश्वासन दिया कि हम धार्मिक संगठनों के पास चर्चा किए बिना ये कानून पारित नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सरकार ने हिंदुत्ववादी संगठनों को फंसाया है। अभी तक सरकार ने हमें नहीं बुलाया, हमारे साथ चर्चा नहीं की है। हम का चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करे, एक दो मीटिंग लेके उसके ऊपर कहेंगे कि हमने चर्चा की, उसमें हल नहीं निकलेगा। इस कानून के हर एक कलम के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हिंदुओं के धार्मिक श्रद्धाओं के ऊपर कानून बनाते, हम यह कानून बनने नहीं देंगे क्योंकि हमारा मूलभूत अधिकार है कि हम कहते कि आईपीसी अगर एडिक्वेट है तो अलग कानून की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल, जब वर्तमान कानून में इस प्रकार के प्रावधान हैं तो अलग से कानून लाने का मतलब है कि आप अलग से कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी नियत पे शक लेना वाजिब।